माय नेम इज शिवान भसीन एंड वेलकम बैक टू द इन्वेस्टरलॉजी। सो गाइस, आज की मार्केट जब मंडे को ओपन हुई तो डेफिनेटली गैप अप ओपनिंग हुई एंड एग्जैक्टली जो रेजिस्टेंस के लेवल्स हम लोगों ने ड्रॉ करे थे अपने चार्ट्स पे प्रीवियस डे, एग्जैक्टली उसको उसने मेंटेन करा एंड वहां से वो नीचे आना स्टार्ट हुआ। सो मार्केट आज वॉलेटाइल थी, बहुत ऊपर खुल रही थी, ऊपर जा रही थी, नीचे जा रही थी एंड मार्केट एक स्टेबल जोन पे ही रही, बट वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा थी। उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे थे कि स्टार्टिंग में जो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, आते आते दोपहर में उन लोगों पे सेलिंग प्रेशर आना स्टार्ट हो गया और जो लोग स्टार्टिंग में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे उन पे एक बाइंग आना स्टार्ट हो गया एंड में। सो अभी वॉलेटिलिटी के चक्कर पे शायद थोड़ा बहुत और प्रेशर रह सकता है। इसके अलावा कल ट्यूजडे है, कल ट्यूजडे को हम लोग एक मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं एंड अराउंड 2:30 के आसपास जिस तरीके से भी मार्केट की डायरेक्शन होगी या मूवमेंट होगी, जिस लेवल पर मार्केट क्लोज होगी, तब मैं आप लोगों को नेक्स्ट थर्सडे जो अपकमिंग थर्सडे है इसके लिए एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूँ जो टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा एंड अपडेट कर दूंगा। सो वहाँ पर जाके आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। मैं बेसिकली एक तो या फिर शॉर्ट आयरन कॉन्डोर चेक कर रहे हैं एंड या फिर एक बटरफ्लाई बन सकती है। अगर कल भी मार्केट इस तरीके से स्टेबल रहती है, यानी कि ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा डाउन साइड की अपमूव या डाउन साइड हमें देखने को नहीं मिलती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 21 नवंबर को एक हमारा वेबिनार आने वाला है फ्लैग एंड पूल पैटर्न के ऊपर, तो कल मैं आप लोगों को उसका डेमो दिखाऊंगा कि किस तरीके से है, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं सारी चीज़ें। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। बात करते हैं अपने तीन स्टॉक्स की कि किस तरीके से मोमेंटम रह सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या अपॉर्चुनिटी लेकर चलनी है। एज इट इज़ बिल्कुल सेम था तो इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, तीन स्टॉक्स को चेक कर लेते हैं। चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप की तरफ। तो हम लोगों ने अपने ट्रेडिंग सेटअप के अंदर एंट्री कर ली है। सबसे पहला स्टॉक मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ वो है कार्बोरेंडम यूनिवर्सल। ये कार्बोरेंडम यूनिवर्सल मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अभी टेलीग्राम चैनल पे सजेस्ट भी करा था आज की ट्रेडिंग के लिए। ये एक इंट्राडे ट्रेड था बट मुझे लगता है कि ये BTST में कन्वर्ट हो चुका है। इस पे आज मोमेंटम नहीं आई थी, लास्ट पे कोशिश कर रहा था पर दोबारा सेलिंग प्रेशर आ रहा था, तो अभी स्टेबल जोन के अंदर से क्लोजिंग करी है। सो लेट्स सी कि हुआ क्या था। अब देख सकते हैं बहुत टाइम से कंटिन्यूस अप ट्रेंड के अंदर ये स्टॉक काम कर रहा था एंड आफ्टर दैट अब यहाँ पर हम लोगों ने कंसोलिडेशन देखा, एक रेंज के अंदर ये कंसोलिडेट करते रहा। इस रेंज के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो हाईस थे वो लो हायर लोअर हाईस क्रिएट होते थे, बट जो लोस थे वो हायर लो क्रिएट होते थे। आप देख सकते थे प्रीवियस लो ये था, इसके बाद लो ये था जो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ एंड हमारा अभी रिसेंट लो ये था जो कि एज इट इज़ बिल्कुल सेम था। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ समझ रहे हैं कि लोज और डाउन ट्रेंड की तरफ नहीं जा रहे, तो मार्केट इन्हें एक बेस एग्जैक्टली एट दिस पर्टिकुलर लेवल बना रखा है। अब फाइनली एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हम लोगों ने ब्रेकआउट देखने को मिला था। इस ब्रेकआउट पे अगर मैं आप लोगों को वॉल्यूम्स के बिहेवियर के साथ एक्सप्लेन करूँ, सो यहाँ पर आप चेक करना, या आप देख रहे हैं इस लेवल पे यहाँ पर वॉल्यूम्स बहुत टाइम से, मतलब बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स भी बनी है, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है। या आप देख सकते हैं रेड कलर की कैंडल, ग्रीन कलर की कैंडल, बहुत बियरिश एंड बुलिश कैंडल्स बनी है। बट अगर आप वॉल्यूम्स को चेक करोगे तो यहाँ पर आप वॉल्यूम्स क्लियरली देख सकते हो कि वॉल्यूम्स बिल्कुल भी ज़्यादा राइज नहीं कर रहे हैं। एज इट इज़ इसी लेवल के आसपास हमने देखे हैं कि वॉल्यूम्स ने अपनी क्लोजिंग करने को देखने को मिली है। बट इवेंचुअली जब ये ब्रेकआउट आया ना इस कैंडल पे, आप देखिएगा जब ये ब्रेकआउट आया वॉल्यूम्स इंक्रीज नहीं करे एंड आफ्टर दैट ये एक हम लोगों ने कैंडल बनती हुई देखी है जो कि बिल्कुल एक हम लोग मान के चल सकते हैं कि एग्जैक्टली अपने टॉप पे एक हैमर कैंडल थी। बट आफ्टर दैट आज की कैंडल ने इसको प्रूव कर दिया कि यहाँ पर एक अपमूव आ सकती है। बट आज के वॉल्यूम्स भी अगर आप चेक करेंगे तो वॉल्यूम्स बहुत अच्छी हमें देखने को मिले हैं। सो आई पर्सनली थिंक यहाँ पर एक अच्छी मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर मैं इसे जूम आउट करता हूँ एंड लेट्स गो फॉर 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। सो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आप चेक कर सकते हैं कि एक ब्रेकआउट बहुत अच्छी मूवमेंट एक अच्छी इम्पल्स मूवमेंट के साथ आई थी। आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे ये रेंज के अंदर कंसोलिडेट करा एंड रेंज के अंदर कंसोलिडेट करने के बाद जिस रेंज का इसने ब्रेकआउट दिया और वॉल्यूम्स आप देख रहे हैं बहुत शार्पली राइज करे इस ब्रेकआउट पे। सो डेफिनेटली गाइज यहाँ पर एक मोमेंटम डेफिनेटली आ सकती है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक पॉज यहाँ पर ले रहा है। सो मेरे हिसाब से आप लोग करेंट लेवल्स पर भी एक बाय पोजिशन इनिशिएट कर सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा दैट शुड बी अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल एंड हम लोग इसको बाय करके चल सकते हैं। टारगेट्स जो मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दैट शुड बी अराउंड, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अकॉर्डिंग टू फिबोनाची एक्सटेंशन। सो मैं टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 950 रुपीज़ के आसपास कर रहा हूँ या 945 रुपीज़ के आसपास कर रहा हूँ जो कि बहुत ईजिली देखने को मिल सकता है। स्टॉक का नाम है कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, आप इसे चेक कर सकते हैं, वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक की।
सो गाइज हमारा सेकेंड स्टॉक है वॉक फार्मा। वॉक फार्मा में मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे आज रिकमेंड करा था अराउंड 461 रुपीज़। अभी 465 चल रहा, प्रॉफिटेबल ट्रेड है, बट येस यू कैन स्टिल होल्ड एग्जैक्टली। अभी जो करेंट लेवल चल रहा है उसके आसपास एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस बेसिस पे एंड मैंने इसको क्यों सेलेक्ट करा। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न के अंदर काम कर रहा है, दोनों बोथ एंड से ये कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज के अगर आप मूवमेंट को समझोगे, आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत बड़ी शार्प फॉल आई, उसके बाद एक हल्का सा पुल बैक लिया, उसके बाद एक दोबारा फॉल आई। अब आप देख सकते हैं ये जो फॉल थी उसका एग्जैक्टली 50% ये फॉल थी, उसके बाद दोबारा ऊपर गया एंड ये जो मूव थी उसकी एग्जैक्टली पुल बैक का 50% था, दोबारा नीचे आया। अब आप देख सकते हैं इस पूरे पुल बैक का ये 50% था, यानी कि जो फॉल हो रहा है ना वो 50-50% से डिक्रीज हो रहा है एंड पुल बैक भी कम होते जा रहा है। सो यानी कि यहाँ पर अभी हम लोग देख रहे हैं कि कन्वर्ज हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। कॉन्ट्रैक्शन को अगर मैं वॉल्यूम्स के साथ इंट्रैक्ट करूँ और वॉल्यूम प्रोफाइल का यूज करूँ, सो लेट मी शो यू। सबसे पहले अगर मैं जूम करता हूँ इस पर्टिकुलर लेवल को, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जब ये एक फॉल आ रहा था, एक कंसिस्टेंट फॉल हम लोगों को देखने को मिल रहा था, तो आप यहाँ पर बेसिस देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स बिल्कुल भी राइज नहीं कर रहे थे। ये आप देख पा रहे होंगे वॉल्यूम्स का जो एवरेज था वो अराउंड इसी लेवल के आसपास आ रहा था। मैं इसे थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। ये देख सकते हैं अब वॉल्यूम्स को अगर आप चेक करेंगे तो वॉल्यूम्स इससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे थे। बट इवेंचुअली हुआ क्या, इसके अलावा अब यहाँ पर चेक करेंगे, इसने एक शार्प अपमूव दी, वॉल्यूम्स बहुत तेजी से इंक्रीज करे एट दिस पर्टिकुलर कैंडल, वॉल्यूम्स इंक्रीज करने के बाद दोबारा ये वॉल्यूम्स कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गए, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गए एंड स्टॉक नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। यानी कि ये एक लेवल है, इस बेसिस पे ये लेवल है कि जहाँ पर हम लोगों को एक बाइंग सेटअप करनी चाहिए, जहाँ पर बड़े बड़े लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ पर एक बाय सेटअप करेंगे। बिकॉज आप देख सकते हैं अगर मैं इस मूवमेंट की बात करूँ, ये हमारा अपमूव था, ये हमारा रेंज है, आप देख सकते हैं एग्जैक्टली 50% पे आया एंड एक बहुत अच्छी इसने बाउंस करा है। सो डेफिनेटली गाइज यहाँ पर एक अच्छी मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा हर्डल और है जो कि ये वॉल्यूम्स हमें नहीं दिखा सकते बट वॉल्यूम प्रोफाइल हमें दिखा सकता है, सो लेट मी शो यू दैट। अब आप देख सकते हैं ये मेरा टॉप है, ये मेरा प्रीवियस स्विंग हाई है एंड दिस इज माई प्रीवियस स्विंग लो। सो क्या करते हैं हम लोग वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर ये का यूज करते हैं, टॉप से लेके बॉटम तक एक वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर बनाते हैं। जब मैं ये बना रहा हूँ तो मेरे पास ऑलरेडी वॉल्यूम्स का चार्ट आ जाता है कि सबसे ज्यादा हैवी वॉल्यूम्स किस लेवल पे है, किस एग्जैक्टली लेवल पे है। सो यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है ये जो रेड कलर की लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ पर हैवी वॉल्यूम्स है, इस टॉप से लेके इस बॉटम तक इस रेड लाइन पे हैवी वॉल्यूम्स है एंड इसके सेकेंड हाईएस्ट हैवी वॉल्यूम्स एग्जैक्टली उसके ऊपर है। सो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पर एक रेंज बना दूंगा, आप देख सकते हैं ये मेरा सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम था, यहाँ पर मैं एक रेंज बना देता हूँ इस तरीके से। तो यानी कि ये एक रेंज हो सकती है जहाँ पर एक बार वॉक फार्मा थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो अब जैसे ही इस लेवल के ऊपर ये निकलेगा तो एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है जो कि 472 रुपीज का लेवल है, तब एक अच्छी मूवमेंट कर सकता है एंड अपने प्रीवियस स्विंग हाई तक इजीली जा सकता है। सो स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट के अंदर जरूर ऐड करेगा, वॉल्यूम ब्रेकआउट देने के बाद कॉन्ट्रैक्ट हुए, एग्जैक्टली सेम गोज विद स्टॉक और स्टॉक पैटर्न के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और जो फॉल है वो भी बहुत तेजी से 50-50% तक डिक्रीज हो रहा है। तो आई थिंक स्टॉक अगर ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छी शार्प मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बात करते हैं अपने थर्ड एंड लास्ट स्टॉक की। सो हमारा थर्ड स्टॉक है ओरिएंट इलेक्ट्रिक एंड ओरिएंट इलेक्ट्रिक ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पहले भी सजेस्ट करा था। आप देख सकते हैं ये वाली जो कैंडल बनी थी ना, इस कैंडल पे मैंने आप लोगों को ओरिएंट इलेक्ट्रिक सजेस्ट करा था एंड बहुत बढ़िया अपमूव हमें नेक्स्ट डे देखने को भी मिली थी एंड हम लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी अर्न करा था। ये पूरी अपमूव को हम लोगों ने कैप्चर करा था ना, एग्जैक्टली हमारे टारगेट पे जाके ये नीचे आया था। बट अब दोबारा हम लोगों को एक मौका देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं कि एक ब्रेकआउट देने के बाद अब यहाँ पर एक नीचे आया बट यहाँ पर इसे एक डबल टॉप पैटर्न भी क्रिएट करा है, नीचे आया एग्जैक्टली इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करा, सॉरी सपोर्ट फेस करा जो पहले इसके लिए एक रेजिस्टेंस हुआ करता था एंड रीटेस्ट करके अब ऊपर की तरफ ये जा रहा है। सो डेफिनेटली अगर मैं इसका 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करूँ एंड इसको अगर हम लोग चेकआउट करें कि किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है तो एक ट्रेंड लाइन हम बना सकते हैं फ्रॉम टॉप। तो यहाँ पर हम लोगों को एक चीज़ देखने को मिल रही है कि एग्जैक्टली इसने ब्रेकआउट दिया एंड रीटेस्ट कर रहा है। सो ये एक क्रूशियल लेवल हो सकता है जहाँ पर ये एक बार स्टेबलाइज्ड हो सकता है, बट ये जैसी लेवल ब्रेकआउट देगा तभी हम लोगों को एक अच्छी अपमूव देखने को मिल सकती है स्टॉक के अंदर, ठीक है। सो मेरे हिसाब से अभी हमें पेशेंसली वेट करना है, करंट प्राइस इज 372 रुपीज़ का। जैसे ये 374-375 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो ही एक बढ़िया सेटअप हम लोगों को देखने को मिल सकता है।
तो स्टॉक को अपनी वॉचलिस्ट के अंदर ऐड करिएगा, जैसे ही ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड होता है हम लोग एक बाइंग सेटअप लेकर चल सकते हैं। सो गाइज ये थे मेरे 3 स्टॉक्स, अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की एंड चेक करते हैं कि उनका सिनेरियो क्या चल रहा है। निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया है एंड क्लियरली हमारी जो बात हुई थी वो हुई थी कि एग्जैक्टली इस लेवल पे क्लोजिंग थी, रेड कलर की लाइन पे क्लोजिंग थी। हम लोगों ने ये एक रेंज ड्रॉ करी हुई थी कि 18,200 तक स्टॉक जा सकता है एंड उसके बाद दोबारा एक रेजिस्टेंस फेस करेगा एंड इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन भी बहुत लंबी करी थी। और उसके बाद हम लोगों ने कहा था अगर 200 का ब्रेकआउट देता है तो ये टारगेट है, यहाँ तक आ सकता है, बट यहाँ पर आप लोगों को अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी पड़ेगी। क्यों रीज़न बताया था मैं आपको दोबारा एक सेकेंड के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक फॉल आया था, पुल बैक लिया, अपने प्रीवियस हाइज को ब्रेक नहीं कर पाया, दोबारा एक फॉल आया, अपने प्रीवियस लोज को ब्रेक कर दिया, अब दोबारा ऊपर जा रहा है और इसका प्रीवियस हाई ये है। अगर डेफिनेटली इसी लेवल से एक घूम जाता है और अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर देता है तो यानी कि एक डाउन ट्रेंड मार्केट के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग सेल ऑन राइज कर सकते हैं। जब तक ये अपने प्रीवियस लोज को ब्रेक नहीं करता और हम लोगों को एक सिग्नल नहीं मिलता कि ये अपने प्रीवियस लोज तक जा सकता है, तब तक हम लोग स्टेबलाइज रहेंगे। सो मेरे हिसाब से अब अगर आप लोगों को कोई भी ट्रेड लेना है तो हम लोग लेंगे अबव 18,230 रुपीज़ का एंड हमारा टारगेट होगा 18,330 रुपीज़ का, बट वहाँ पर हम लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। एक फ्रेश एंट्री तभी बनेगी जब 330 के ऊपर ये कम से कम एक दिन सस्टेन करेगा। जैसे ही एक दिन सस्टेन करेगा तो मैं बात कर सकता हूँ कि अगर अब कोई डिप आती है तो हमें बाय करना है फॉर आर टारगेट ऑफ इट्स आर प्रीवियस न्यू लाइफ टाइम हाई। ठीक है, इस बात को याद रखना। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अभी मार्केट ने गैप अप ओपन हुई, उसके बाद एग्जैक्टली एक जो पहली कैंडल थी 15 मिनट की वही इसका टॉप था, उसके बाद से कंटिन्यूस बेसिस पे नीचे आते रहे आफ्टर अ वेरी गुड अप मूव। अब ये थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करते रहा तो डेफिनेटली कल अगर एक ब्रेकआउट आता ऊपर की तरफ तो हम लोगों को चेक करना है, बट ऊपर अभी भी हेवी सेलर्स बैठे हुए हैं, अभी भी कॉल राइटर्स एक्टिव है। सो मेरे हिसाब से मार्केट ऊपर भी जाती है तो दोबारा एक सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्टेड है एंड बॉटम पे अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो ज़्यादा कहीं निफ्टी के अंदर सपोर्ट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। सो मेरे हिसाब से अगर फॉल आता भी है तो 17,900 ईजिली आ सकता है निफ्टी के अंदर। जितनी जल्दी अगर ये 18,330 को पहुँचेगा उससे पहले पहले मुझे लगता है 17,900 ये टेस्ट दोबारा कर सकता है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोगों को देखना पड़ेगा, मार्केट के स्ट्रक्चर को चलना पड़ेगा एंड उसके बेसिस पे डिसीजन लेंगे। सो मेरे हिसाब से जो रेंज मैं डिसाइड करके चल रहा हूँ निफ्टी के अंदर वो ऑलमोस्ट हो सकती है 18,400, मतलब 13,330 थोड़ा सा ऊपर एंड 18,400 एक रेंज हो सकती है जो कि 300 पॉइंट ऊपर है। इसके अलावा हम लोग नीचे की डिसाइड कर सकते हैं 17,800 जो कि 300 पॉइंट्स नीचे है। सो कल अगर मार्केट इसी लेवल पर खुलती है और हम लोग देखते हैं कि एक घंटा तक भी इसी लेवल के आसपास सस्टेन करती है तो हम लोग एक आयरन बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जिसपे ऊपर का कॉल है नीचे का पुट बाय करके एग्जैक्ट करंट लेवल 18,100 का हम लोग कॉल और पुट शॉर्ट कर सकते हैं। सो वो हमारे लिए एक ज़्यादा स्टेबलाइज चॉइस होगी। तो एक बार चेक करते हैं, डेफिनेटली एक बार बैंक निफ्टी को चेक करते हैं उसके अंदर क्या पोजीशन बनते हुए देखने को मिल रही है। सो बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करा हुआ है एंड ये आप देख सकते हैं हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है। इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे एक सपोर्ट तो बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है हम लोगों को अभी तक बैंक निफ्टी के अंदर एंड आप ये वाले जोन को अगर स्टडी करेंगे तो इस जोन पे भी एक बहुत बढ़िया ये सपोर्ट ले रहा है। अगर अब यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, जैसे ही अगर ये वाला जोन ब्रेक होता है ना तो एक हैवी सेलिंग प्रेशर हम लोगों को देखने को मिल सकता है। एक हैवी सेलिंग प्रेशर डेफिनेटली आ सकता है, बट इस बात को याद रखना कॉल राइटर्स इस लेवल्स पे बहुत तेजी से एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएंगे, पुट राइटर्स बहुत जल्दी एग्जिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन दी एंड जो सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा वो 38,000 का देखने को मिलेगा। बट अगर मैं चार्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पर चार्ट्स में बहुत हर्डल्स हैं, मतलब बहुत बार 38,000 से आने पहले तक ये बहुत जगह सपोर्ट ले सकता है। सबसे पहला सपोर्ट ये ऑलमोस्ट 38,330 पे ले सकता है, उसके बाद 38,120 पे ले सकता है एंड फिर 38,000 इवेंचुअली आ सकता है। बट अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन ओपनिंग हो जाएगी ना तो डेफिनेटली एक हेवी शॉर्ट सेलिंग आ सकता है। तो ये क्रूशियल लेवल है हम लोग हमारे हिसाब से हम लोगों को ना बाय करना है ना सेल करना है। मैं आप लोगों को एक रेंज बता रहा हूँ, इस रेंज को डेफिनेटली गाइस फॉलो जरूर करना। सो ये हमारी एक रेंज है, ये टॉप है एंड ये हमारा एक बॉटम है। जब तक इस रेंज के नीचे नहीं जाता है तब तक हमें शॉर्ट नहीं करना, इस रेंज के ऊपर नहीं जाता तब तक हमें लॉन्ग नहीं करना। इस रेंज के ऊपर अगर 15 मिनट्स या 30 मिनट्स की कैंडल क्लोज होती है तो हमारे लिए बाय है, अदरवाइज रेंज के नीचे हम लोगों को शॉर्ट करना है। अब अगर इस रेंज के अंदर भी कल मार्केट क्लोज करती है, ठीक है, इस रेंज के अंदर भी हम लोग देखते हैं शुरुआत के 1-1.5 घंटा इसी रेंज के अंदर है, सो हम लोग तब क्या कर सकते हैं, तब हम लोग इसमें भी एक आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं या फिर एक बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। हम लोग एक रेंज डिसाइड कर लेंगे और उसके बेसिस पे अपना ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। बट बैंक निफ्टी के अंदर डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि बैंक निफ्टी में ब्रेक डाउन होने के चांसेस निफ्टी का ओवरहोल्डिंग ज़्यादा हाई है। सो इस बात को हम लोगों को ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा।
ठीक है। सो मेरे हिसाब से नो ट्रेडिंग डे है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर कल और परसों के ट्रेडिंग सेशन के अंदर, बट एक बार स्टॉक स्पेसिफिक आप लोग डेफिनेटली रह सकते हैं। अब बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट डाटा को आज चेक नहीं करते हैं बिकॉज उस पर कोई ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं है। FII का डाटा एज इट इज़ बिल्कुल सेम है जो हम लोग एक डेढ़ हफ्ते से देख रहे हैं, तो उसको आज चेक नहीं करते हैं, कल का ट्यूजडे का डाटा देखते हैं और उसको क्लब करके फिर एक स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ लेकर आऊँगा। सो आई होप आप लोगों को वो वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, एंड डेफिनेटली आप लोगों ने इस वीडियो में भी कुछ ना कुछ सीखा होगा कि प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्रेकआउट होता है, किस तरीके से हम लोगों को ट्रेड लेना चाहिए। सो कुछ फैक्टर्स हैं जो हल्के हल्के आप लोगों को समझ में आते रहेंगे। अगर आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा है तो उसको कॉपी पे नोट करिए एंड उसको रिसर्च करिए कि इसके अंदर और क्या क्या नई नई चीज़ें हैं जो मैं सीख सकता हूँ। थैंक यू गाइज, हैव अ वेरी गुड डे,